brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द ही कोरोना की वैक्सीन अब देश में आ जाएगी, यानी कि उसको लेकर अब जो तैयारियां हैं शुरू हो चुकी हैं वैक्सीन को लेकर, और सूरत प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर वंशानिधि पानी जी। उनसे ही हम समझ लेते हैं कि वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर किस तरह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सर बताइए, किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं कि किस तरह से जो वैक्सीन आएगा किस तरह तक लोगों तक पहुँचाई जाएगी? जो वैक्सीन है वो वैक्सीन जब आए तब पूरा जो प्रिपेरेटरी अरेंजमेंट्स हैं वो तैनात होना चाहिए। इसके लिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के हेठर अभी उसका जो प्रिलिमिनरी प्रिपेरेशंस हैं उसको शुरू कर दिया गया है। जैसे आइस लिंक रेफ्रिजरेशन है, ILR का अरेंजमेंट करना है, उसका व्यवस्था, और उसके साथ साथ हमारा दूसरे जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो लोग वैक्सीन देंगे उनकी व्यवस्था, और उसके साथ साथ जो दूसरे लोगों को, किस लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, खास करके अभी जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स, उनका डेटाबेस बनाना, उनका डिटेलिंग करना, ये सब जो कार्यवाही है वो कार्यवाही अभी प्रिलिमिनरी कार्यवाही शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार श्री और राज्य सरकार श्री के जो मार्गदर्शन है उसके ऊपर ये काम किया जाएगा, और आगे वाले दिनों में जैसे ही कोई भी मार्गदर्शन मिलता है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। हेल्थ वर्करों के अलावा सरकार की गाइडलाइन किन किन दिशा निर्देश किस तरह दिए गए हैं कि किन किन लोगों को और भी जो अगर वैक्सीन आती है तो उनका किस तरह टीकाकरण किया जाएगा? अभी इमीडिएटली जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में है, प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में है, क्योंकि कोविड का जो लड़ाई है वो युद्ध क्षेत्र में डायरेक्टली जो हॉस्पिटलों में लड़ रहे हैं उनके लिए अभी व्यवस्था जो है, खास करके उनका डिटेलिंग हो, उनका एज हो, उनका दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उसका डेटाबेस बनाया जा रहा है, वो भारत सरकार और गुजरात सरकार का जो डेटाबेस है उसके हिसाब से ये बनाया जा रहा है। वैक्सीन को लेकर महानगर पालिका ने कितने लोगों को इस तैयारी में लगाया है? किस विभाग के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, चाहे डेटा कलेक्ट करने की बात हो चाहे बाकी और तैयारियों की बात हो? बेसिकली अभी हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसमें काम कर रहा है। और जिस तरह से कोरोना के केस सूरत में बढ़ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए सूरत प्रशासन किस तरह से अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है? COVID-19 को कंट्रोल करने के लिए सूरत महानगर पालिका में बहुत सारे ऐसे कार्यवाही किए गए हैं। हम जैसे जिस हिसाब से एक पॉपुलेशन के सिटी हैं उसके कई गुना हम टेस्ट कर रहे हैं। लगभग प्रतिदिन 16,000 से ज़्यादा टेस्ट किया जा रहा है और कभी कभी 20,000 तक हम पहुंचते हैं, और टेस्टिंग के साथ साथ जो भी आदमी पॉजिटिव होता है तो उसका फैमिली, सोशल और उसका प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट ट्रेस करते हैं, और ट्रेस करने के बाद वहां भी टेस्ट करके कोई भी अगर पॉजिटिव आए तो उसका निदान तुरंत हो जाए और उसके साथ साथ उसको आइसोलेट हो जाए, सो दैट कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति दूसरे लोगों को पॉजिटिव ना करे, उसका हम ध्यान रखते हैं। तो पहले ही टेस्टिंग से पॉजिटिव आने के बाद इमीडिएटली उसका आइसोलेशन और इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट से डेथ रेट भी सूरत का कम है और संक्रमण का रेट भी सूरत में कम है। और उसके उपरांत हमने आस्क फॉर ए मास्क का एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत कोई भी अगर मास्क बगैर होगा या मास्क चिन पे लगा होगा, नीचे लगा होगा, तो हम ये बोल रहे हैं कि सब लोग मिलके टोकेंगे, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, ये जो नारा है वो ये नारा के साथ हम एक जन आंदोलन हो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट और सब मिलके एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड एफर्ट करके यहाँ लड़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक कोलाबरेटिव अप्रोच जो है, जैसे सब लोग मिलके अगर ये बोलें कि मास्क नहीं तो टोकेंगे,
कोरोना को रोकेंगे, इससे काफ़ी हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। आईसी एक्टिविटी हो, दूसरे कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं, खास करके कंटेनमेंट एक्टिविटी और होम आइसोलेशन एक्टिविटी, ये एक बहुत ज़बरदस्त उपाय से किया जा रहा है। खास करके हमारा जो होम आइसोलेशन फॉलोअप डिपार्टमेंट है, वहाँ से वार रूम से ये डेली एक व्यक्ति को फ़ोन किया जा रहा है, उनका कैसे स्थिति है। सर, मैं जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगातार देख रहे हैं, आप अपने स्तर पे तमाम कोशिशें कर रहे हैं, अवेयरनेस के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लोगों में इसका असर देखने को मिलता है? अक्सर हम देखते हैं, अभी हम बात कर लें तो कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, मास्क भी काफ़ी हद तक लोग पहनते हैं, बड़ी संख्या में लोग नहीं पहनते हैं, तो इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? नहीं, अगर देखेंगे कि सूरत दूसरे सिटीज़ को अगर कंपेयर करें तो सूरत में जो स्थिति है वो बेहतर है, और सूरत के लोग काफ़ी हमको सपोर्ट किए हैं, साथ सहकार दिए हैं, और काफ़ी लोग जो हमारा चाहे रात्रि कर्फ्यू का इम्प्लीमेंटेशन हो उसमें साथ सहभागी बनने की बात हो, या चाहे डायमंड और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में सपोर्ट करने की बात हो, कैंटीन बंद करने की बात हो, वेंटिलेशन चालू करने की बात हो, ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, इसीलिए ये हम जो है अभी अच्छे स्थिति में है, और ये अच्छे स्थिति बरकरार तब तक रहेगी जब तक लोगों के तरफ से हमको जिस हिसाब से साथ सहकार मिल रहा है, खास करके मास्क का। मास्क जो है वो एक ही वैक्सीन अभी हमारे पास उपलब्ध है, और उसी के हिसाब से हम अगर चलें तो संक्रमण बढ़े नहीं, और संक्रमण बढ़े नहीं तो कोई किसी का मृत्यु नहीं होगा। हमारे यहाँ मृत्यु का जो दर है वो 2% से नीचे है, तो ये जो है काफ़ी हद तक सूरत शहर के प्रशासन हो या सूरत शहर के लोग हैं इसके लिए कंट्रीब्यूट किए हैं। सर, जिस तरह से आपने बात की कि मास्क वगैरह लोग पहनते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिवाली के बाद से अचानक केसों में बढ़ोतरी कैसे दर्ज हुई है? दिवाली के बाद में केसेस दो रीज़न से बढ़ा हुआ है। एक तो हम दिवाली के बाद जो पहले 9000 टेस्ट करते थे, क्योंकि दिवाली का समय था, क्योंकि भीड़भाड़ हुआ था, तो हमने सोचा कि इमीडिएटली ये संक्रमण एक लिमिट से ज़्यादा ना हो जाए, तो सिचुएशन कोई भी रूप से खराब ना हो, इसलिए हमने 9000 से 20000 तक हमने टेस्ट बढ़ा दिया, तो इससे हमको पॉजिटिविटी ज़्यादा मिला है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा नहीं मिला, क्योंकि जो व्यक्ति संक्रमण होता है उसको हम पहले से देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, और उनको आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, घर पे ही लोग ठीक हो जाते हैं। तो यही तो सर क्या कहेंगे कि टेस्ट बढ़ा इसलिए केस बढ़ गए दिवाली बाद, टेस्ट कम थे इसलिए केस कम थे, एक रीजन यह है। दूसरा रीजन यह है कि जैसे फेस्टिव माहौल में लोग आपस में मिले और लोग गए, तो इसके लिए भी केसेस बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी का जो स्टेटस है वो स्टेटस अभी हम खास करके मैरिज सीजन है, मैरिज सीजन में भी कोई वायलेशन ना हो, और खास करके यहाँ जितने भी मैरिजेस होते हैं वहाँ के कुछ आयोजक तो ऐसे हैं, हमको सामने से बोलते हैं कि धन्वंतरी रथ आप भेज दीजिए, तो हम भेज देते हैं, तो टेस्टिंग वहाँ वो सामने से कर लेते हैं, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा है, और अभी केस जो है वो स्थिर रूप में है। ये थे सूरत महानगर पालिका के कमिश्नर बंछा निधि पानी जी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो हमारे साथ जानकारी शेयर की, साथ ही साथ कोरोना के केस किस तरह से सूरत में बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने सूरत हाल पूरा हमारे कैमरे पर बयान किया है। कैमरामैन साहिज एकताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक।